म्यांमार ने इस बात से इनकार किया है कि भारत ने के सुरक्षा बलों ने उसकी सीमा के भीतर आकर उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। म्यांमार ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन भारत म्यांमार बॉर्डर पर भारत की सीमा के भीतर ही हुआ है। दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के बाद आपके एक और बड़े नेता की मुसीबत बढ़ सकती है। आप विधायक सोमनाथ भारती को महिला आयोग ने समन भेजा है। योग दिवस और सूर्य नमस्कार पर छिड़े विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि वेदों में सूर्य नमस्कार का जिक्र नहीं है और ये योग का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए जून महीने के अंत तक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का दौरा कर सकते हैं। फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर दिल्ली पुलिस फैजाबाद पहुंची, जहां अवध यूनिवर्सिटी ने उनके बीएससी की डिग्री को फर्जी करार दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनकी सरकारी आवास पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सैयद कलवे जब्बात के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बुंदेलखंड के लिए राज्य सरकार ने खोला पिटारा। बुंदेलखंड के विकास के लिए 697 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। निर्माणाधीन मंडी सलोह अवस्थापना केंद्र के लिए धनराशि जारी। मुख्यमंत्री हरीश रावत के बागेश्वर भ्रमण कार्यक्रम की तैयारियों को पूर्ण कर लिया गया है, जिसको लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में एक प्रिंट मीडिया से जुड़े पत्रकार दीपक मिश्रा को दबंगों ने गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हरदोई के अटवा अस्सी गांव में बारातियों से भरे ट्रैक्टर, एक कार और प्राइवेट बस की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आगरा के नुनिहाई रोड पर एक अज्ञात वाहन ने एक महिला को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए लोगों ने यमुना एक्सप्रेसवे को जाम कर जमकर हंगामा किया। बहराइच में एक विवाहिता अपने ही ससुर के घिनौने करतूत की सजा दिलाने के लिए डीएम ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गई। दरअसल वजीरगंज गांव की रहने वाली एक विवाहिता ने अपने ससुर पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। शामली में पुलिस की लापरवाही के चलते एक शख्स ने अपनी जान दे दी। दरअसल एक अधेड़ व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ से परेशान होकर पुलिस को शिकायत की, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा में देर रात एक जूते के डिब्बे बनाने के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कन्नौज में मरीज की मौत से गुस्साए लोगों ने माया अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल गर्भवती महिला के इलाज के बाद आईसीयू में बेड खाली नहीं होने की बात कहकर मरीज को रेफर कर दिया गया था। रामपुर में एक शादी चर्चा का विषय बन गई। गजरौला का दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने उड़न खटौली से रामपुर पहुंचा तो देखने वालों का तांता लग गया। इटावा जिले के सारस की संख्या में लगातार हो रही कमी से वाइल्ड लाइफ चंबल सेंचुरी के अधिकारी काफी चिंतित हैं, जिसे लेकर सरकार ने सारस इनावर झील को वेंटिलेट एरिया का घोषित कर दिया है। उत्तराखंड के भीतर एक के बाद एक खुल रहे पॉलिटेक्निक संस्थानों को लेकर कांग्रेसी विधायक हीरा सिंह बिश्न ने सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सरकार जानबूझकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। टिहरी बांध के झील से भूदस्ताव होने के कारण नंदगांव के ग्रामीण पिछले 5 जून से जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पुनर्वास की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। प्रसिद्ध जागेश्वर धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसको विश्व के मानचित्र में विख्यात दिलाने के लिए यहां पर महोत्सव का आयोजन किया है। खटीमा में शहर के बीचों बीच बहने वाले खकरा और एठा नालों में लगातार हो रहे अतिक्रमण से आने वाली बरसात में नगर में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार फिल्म ब्रदर्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ब्रदर्स में 2 भाइयों की शानदार कहानी की झलक साफ तौर से देखी जा सकती है। ऋतिक रोशन और सुजैन ने तलाक लेकर अपनी राहें जुदा कर ली थीं। खबरों की माने तो एक हफ्ते पहले अर्जुन रामपाल और सुजैन की एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस तरह की अफवाहें फैलने से ऋतिक काफी नाराज है। हाल में 36 साल पूरे करने वाली अपनी फिल्म मिस्टर नटवरलाल के यादों में खोए हुए हैं अमिताभ बच्चन। इस मौके पर बिग बी ने कहा कि वो फिल्म में गाना नहीं चाहते थे, लेकिन संगीतकार राजेश रोशन ने उनकी एक नहीं सुनी और गाना गवा ही लिया। वरुण धवन इन दोनों अपनी डांस बेस्ड फिल्म ABCD2 को प्रमोट करने में बिजी हैं। बीते रोज उन्होंने डायरेक्टर रेमो डिसूजा के साथ मुंबई के एक थिएटर में ABCD2 का नया गाना रिलीज किया।
वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा और रेमो डिसूजा बीते दिनों कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर पहुंचे। वे यहां अपनी अपकमिंग फिल्म एबीसीडी 2 के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे।